सनातन धर्म के अपमान से आक्रोशित भाजपाइयों ने दुर्ग के पटेल चौक में पुतला दहन कर आक्रोश जताया। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कांग्रेस नित गठबंधन के नेता उदयगिरी स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के अपमान के विरोध में दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में दुर्ग के पटेल चौक पर उदयगिरी स्टालिन का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि सनातन धर्म सर्वे भवंतु सुखिन और वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ संपूर्ण मानव जाति और विश्व के कल्याण की कल्पना करता है। ऐसे महान और विशाल हृदय वाले विराट सनातन धर्म के विरुद्ध अनुचित कथन कहने वालों को सनातन धर्म प्रेमी कभी क्षमा नहीं करेंगे। साथ ही जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कांग्रेस नित गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के आपत्तिजनक बयान पर भी कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। इस मौके पर पुतला दहन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सनातन धर्म के प्रति कांग्रेस पार्टी के रुख को स्पष्ट करने की मांग भी की गई। उदयगिरी स्टालिन ने सनातियों के विरुद्ध बहुत ही निम्न स्तर बयान दिया है, उसके विरोध में आज दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु एवं बहनों ने दुर्ग के हृदय स्थल पटेल चौक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उस निम्न स्तर बयान देने वाले स्टाइलिस्ट के तीनों व्यक्ति के पुतला दहन किए हैं और निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध अपन FIR भी एप्लीकेशन लगाएंगे और उस पर उचित कार्रवाई की मांग करता हूँ। कथनी और करनी में दोनों में बहुत अंतर है। अलायंस तो मिला के ही किए हैं, उनके साथ मिली जुली सरकार में इन लोगों का भी हिस्सेदारी है। तो किनारा कर लिया था उन लोगों ने, कब किया है हमको अभी तक जानकारी नहीं है, है लेकिन उन लोग हर बार विरोध ही करते हैं, दोयाम दर्जा करते हैं, चुनाव के राजनीति के तरफ ध्यान देते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो कई ऐसे मामले हैं, जम्मू कश्मीर का मैटर, आज जो धारा 370 है किसके कारण हुआ, कितने साल तक रुके रहे, तो उसके लिए कांग्रेस ही दोषी है कि नहीं है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर 300 साल से ज़्यादा समय लग गए, क्यों लगे? कांग्रेसी लोगों ने आज़ादी के बाद में लगातार राज किए, क्यों नहीं सुलझा नहीं पाए? ठीक है, प्रदेश आह्वान पे आज युवा मोर्चा द्वारा आज पुतला दहन किया गया। ये मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके द्वारा, उनके बेटे द्वारा हिंदू समाज को, जो सनातन समाज को खत्म करने की बात कही गई, उसके विरोध में आज ये पुतला दहन किया था। ये आगे हम लोग मांग करते हैं कि पर FIR दर्ज हो, उनको जेल डाला जाए। इस तरह के जो सनातन धर्म को ठेस पहुँचाने का जो काम किया है, जरा ही निंदनीय काम है, उनको तुरंत जेल डाला जाए। और सनातन धर्म इस तरह के अपमान का बदला लेगी और उनको माफ़ी मांगना चाहिए अपने बयान से, वैसे ही मांग करती है भारतीय जनता पार्टी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।